अस्सलाम वालेकुम ट्रिकास, आप सब कैसे हैं? उम्मीदा कि आप सब खैर वाफिया से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ कि आप खैरियत से ही हों। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं उर्दू की आपकी टीचर हूँ। आज हम अपना जो है वो बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। बुक वर्क है हवलदार अलग जान की, उसके हमने अल्फाज बहनी और जो जुमले थे वो कम्प्लीट कर लिए थे। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो इसका सवाल नंबर 1 है, उसमें क्या कहा गया है? खाली जगह पूर करें। तो अब हमने खाली जगह रीडिंग जब कर ली है तो उसके बाद खाली जगह करना हमारे लिए बहुत इजी है। सबसे पहला है पॉइंट, उसमें क्या कहा गया है? गिलगित और बल्तिस्तान के ज़िले समंदर से 8-10 हज़ार की फुट की डैश पर वाकिया हैं। तो बुलंदी यानी कि ऊंचाई पर वाकिया हैं। लालक जान के गांव का नाम डैश है, क्या नाम था? हिंदूर नामी, जहाँ यानी कि वो पैदा हुए थे। लालक का मतलब है डैश, यानी कि सूरज की तरह चमकने वाला, लालक का मतलब ये होता है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अजाज जो था वो कौन सा था? निशाने हैदर। लालक जान डैश के जज्बे से सरशार थे, शहादत के जज्बे से सरशार थे। सरशार का मतलब यानी भरे हुए थे, उनके अंदर बहुत ख्वाहिश थी, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, मिसाल के मुताबिक मुतजाद अल्फाज को आपस में मिलाइए। तो सबसे पहला वर्ड है बहादुर, बहादुर का उल्ट क्या आएगा? डरपोक। आगे है नुकसान, नुकसान का उल्ट क्या आ जाएगा? फायदा। गांव, गांव का उल्ट क्या आ जाएगा? शहर। और दुश्मन का उल्ट क्या आएगा? दोस्त। और रात का उल्ट क्या आएगा? दिन। आगे सवाल नंबर 3 है, इसमें क्या कहा गया है? दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ये अब आपने देखना है कि क्या कौन सा गलत है और कौन सा सही है। लालक जान 15 फरवरी 1967 को पैदा हुए, ठीक है, ये सही है। ये लालक जान के शहर का नाम हिंदूर है, ये भी ठीक है। कारगिल के महाज पर दुश्मन की फौजें और पाकिस्तानी मुजाहदीन आगे पीछे डटे हुए थे, ये क्रॉस है। लालक जान ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया, ये भी ठीक है। दुश्मन हर हाल में हवलदार लालक जान की चौकी छोड़ना चाहता था, ये भी आपका क्रॉस है। आगे है सवाल नंबर 4, पहले दूसरे और तीसरे निशाने हैदर हासिल करने वालों के नाम उस्ताद साहब से पूछकर लिखें। तो सबसे पहले निशाने हैदर किसको मिला था? कैप्टन सरवर शहीद को। और दूसरा मिला था मेजर तुफैल शहीद को। तीसरा जो है वो मिला था मेजर अजीज भट्टी को। और आगे 3 क्लास, आपने ये खुशखती है, आपने जैसे ये ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं वैसे ही आपने सेम नीचे राइट करने हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है सता, इलाका, रोशन, ताल्लुक, अनबार, शहीद। और नीचे जो है सरगर्मी में दिया है निशाने हैदर के तमगे में रंग भरिए और इसमें आपने प्यारे से कलर भी भरने हैं। ओके 3 क्लास, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।